अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि सबने मेरे काम को बहुत सराहा और मुझे व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं। थैंक्स फॉर योर एप्रिसिएशन। आज की जो वीडियो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर किंडरगार्टन एंड ECC लेवल स्टूडेंट्स। जी, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है उर्दू हरूफ तहज्जी को याद करवाने का तरीका। छोटे लेवल पे जब आप बच्चों को उर्दू हरूफ तहज्जी याद करवाते हैं तो आप लोगों ने हमेशा ये फील किया होगा कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं नुक्तों में, तोए में, उनकी पोजीशन में, कि नुक्ते ऊपर आने हैं या नीचे, अंदर आने हैं या बाहर। इनमें हमेशा वो कंफ्यूज रहते हैं, स्पेशली पे और से में, क्योंकि दोनों के तीन तीन नुक्ते हैं लेकिन इनकी पोजीशन का फर्क है, एक के नीचे होते हैं और एक लफ्ज के हर्फ के ऊपर होते हैं। इसी तरह जीम और छे में, इन सारे हरूफ में जब बच्चे नुक्ते और तोए के ऊपर कंफ्यूज रहते हैं तो जब आप इमला करवाते हैं तो उसमें भी बच्चों की बहुत गलतियां निकलती हैं। इसीलिए आज जो तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो इतना इफेक्टिव है कि जब आप उस तरीके से बच्चे को हरूफ तहज्जी याद करवाएंगे तो बहुत उम्मीद है मुझे कि बच्चों की ये कन्फ्यूजन काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। ये वाला मेथड, ये तरीका मैंने खुद अपने ही स्टूडेंट्स के ऊपर भी अप्लाई किया है और मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट हासिल किए। आइए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आप उर्दू के हरूफ तहज्जी बच्चे को कैसे याद करवाएं। अलिफ बिल्कुल खाली, अलिफ के ऊपर मत, बे के नीचे एक नुक्ता, पे के नीचे तीन नुक्ते, ते के ऊपर दो नुक्ते, टे के ऊपर छोटी तोए, से के ऊपर तीन नुक्ते, जीम के अंदर एक नुक्ता, चे के अंदर तीन नुक्ते, हे बिल्कुल खाली, खे के ऊपर एक नुक्ता, दाल बिल्कुल खाली, डाल के ऊपर छोटी तोए, जा के ऊपर एक नुक्ता, रे बिल्कुल खाली, रे के ऊपर छोटी तोए, जे के ऊपर एक नुक्ता, जे के ऊपर तीन नुक्ते, सीन बिल्कुल खाली, शीन के ऊपर तीन नुक्ते, स्वाद बिल्कुल खाली, ज़ाद के ऊपर एक नुक्ता, तोए बिल्कुल खाली, ज़ोए के ऊपर एक नुक्ता, आइन बिल्कुल खाली, गाय के ऊपर एक नुक्ता, फे के ऊपर एक नुक्ता, काफ के ऊपर दो नुक्ते, काफ के ऊपर एक डंडा, गाफ के ऊपर दो डंडे, लाम बिल्कुल खाली, मीम बिल्कुल खाली, नून के अंदर एक नुक्ता, वाव बिल्कुल खाली, हे बिल्कुल खाली, हमजा बिल्कुल खाली, छोटी ए के नीचे दो नुक्ते, बड़ी ए के नीचे दो नुक्ते। यहाँ पे आप लोग ज़रूर हैरान हुए होंगे कि ये के नीचे मैंने ये दो नुक्ते क्यों कहे। उर्दू के छोटे बच्चों के ECC और किंडर लेवल के स्टूडेंट्स के उर्दू के जो भी कायदे आप देखते हैं उनमें ये के नीचे नुक्ते नहीं होते, लेकिन जब हम बच्चों को बड़ी अशकाल से छोटी अशकाल की तरफ लेके जाते हैं वहाँ पर ये के नीचे दो नुक्ते आते हैं। तो मुझसे अक्सर मेरे स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते थे कि मैम, हमने जब बड़ी अशकाल याद की थी तब तो दो नुक्ते नहीं थे, अभी छोटी अशकाल में दो नुक्ते ये के नीचे कहाँ से आ गए? इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये प्रैक्टिस की कि मैं हमेशा अपने बच्चों को जब बड़ी हरूफ़ तहज्जी याद कराती थी तो ये के नीचे ये दो नुक्ते ज़रूर याद कराती थी, ताकि जब बच्चे बड़ी अशकाल से छोटी अशकाल में जाएं तो उन्हें ये कन्फ्यूजन ना हो कि ये के नीचे नुक्ते कहाँ से आ गए। इसीलिए मैंने इस चीज़ को अपनी वीडियो में भी शामिल किया। नेक्स्ट वीडियो जो मेरी इंशाल्लाह आप देखेंगे वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो इसी हरूफ़ तहज्जी के ऊपर है और इन्हीं से रिलेटेड एक्टिविटी और वर्कशीट के ऊपर है। तो नेक्स्ट वीडियो आपने बिल्कुल मिस नहीं करनी, और उसके लिए आपने करना क्या है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर हिट करें ताकि आपको मेरी वीडियो बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। थैंक यू।